अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खुर्रम इकबाल है और आप मेरा चैनल सच सुनो देख रहे हैं। आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो गुज़श्ता रोज़ के बाद काफ़ी तेज़ी से बदलती नज़र आ रही है। आप सब जानते हैं गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट के बाहर दो खुदकश हमले हुए, जिनमें अब तक की इतलात के मुताबिक 103 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। उनमें 13 अमरीकी फ़ौजी और 28 अफगान तालिबान भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अमरीका की जानिब से इनखला की जो डेडलाइन है 31 अगस्त वो करीब आ रही है। तालिबान की जानिब से ये कहा गया था कि वो इनखला की तारीख में किसी सूरत तोसी की इजाज़त नहीं देंगे, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने बारहा ये कहा कि इनखला की तारीख जो है वो 31 अगस्त ही रहेगी। और आज भी सुबह उन्होंने कौम से किताब में, अपनी अमरीकी कौम से किताब में ये कहा कि कोशिश की जाएगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी शहरी या अमरीकी फ़ौजी जो वहाँ अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन्हें 31 अगस्त से पहले पहले अफगानिस्तान से निकाल लिया जाए, और जो अगर कोई रह भी गए तो उनको बाद में जो है वो निकालने की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। अब वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद और असल वजह है वो ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान पर किस तरह असरअंदाज हो रही है या किस तरह असरअंदाज हो सकती है, उसका अंदाज़ा इस खबर से लगाया जा सकता है जो गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई, जब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में ये दरख्वास्त की गई थी कि इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं उन होटल्स में नई बुकिंग्स बंद कर दी जाएं और आम आवाम के लिए जो है वो होटल्स जो हैं उन्हें बुकिंग्स आम आवाम को ना दें। और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि क्योंकि अफगानिस्तान से अमरीकों का इनखला तेज़ करने के लिए अमरीकी कोशिशें जारी हैं, और अमरीका ये चाहता है कि 31 अगस्त से पहले पहले या 31 अगस्त तक जो है वो अपने अमरीकी शहरियों को वहाँ से निकाल ले। तो काफ़ी खबरें ये सामने आई कि अमरीका के जो एहलकार वहाँ मौजूद हैं, नेटो के जो फौजी वहाँ मौजूद हैं, उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा और जहाँ उन्हें इन पाकिस्तान के होटल्स में जो है वो ठहराया जाएगा। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ का नोटिफिकेशन काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया उस वक्त जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पर जो है वो लोगों के तबसरे शुरू हुए कि इस्लामाबाद में जो है वो आम शहरियों के लिए होटल्स को बंद कर दिया गया है और वहाँ पर अमरीकियों को ठहराने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। गो के ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेशनल मीडिया भी इस खबर को कोट करता रहा, ताहम ज़िले इंतज़ामिया स्पेशली डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से एक वजाहती ट्वीट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कोई फ़ैसला या कोई हुक्म नहीं दिया गया जिसमें यह कहा गया हो कि इस्लामाबाद के होटल्स को बंद कर दिया जाए। सोशल मीडिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, वहाँ पर आने वाली खबर जिस तेज़ी से वायरल होती है वो इतनी नेशनल मीडिया पर जो है वो उस खबर की अहमियत भी उस तरह से नहीं रहती और ना ही वो वहाँ से इतनी तेज़ी से वायरल होती है। सोशल मीडिया पर खबर की तस्दीक या खबर की ऑथेंटिसिटी के बारे में हम अगर बात करें तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुलीग भी हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं फाहद मलिक, उनसे पूछेंगे। और फाहद जो है वो किसी नाम के मोहताज नहीं है और इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से काफ़ी सरगर्म भी रहते हैं, उनकी ज़िले इंतज़ामिया में जो है अपनी अप्रोच के हवाले से, तो उनकी उनसे इस बारे में तस्दीक करते हैं कि क्या वाकई ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कोई हुक्म जारी किया गया कि जिसमें कहा गया हो कि होटल्स को, इस्लामाबाद के होटल्स को जो है वो आम शहरियों के लिए बंद कर दिया जाए, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो अमरीकी फ़ौजी या अमरीकी शहरियों को ठहराया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद मलिक, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जी फ़हद, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। बेसिकली जो इंसिडेंट है, आपने जैसे फेक न्यूज़ की बात की, तो इस मुल्क में असल खबर बहुत कम फैलती है, जबकि गलत या मिस रिपोर्टिंग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो जो रात वाला इंसिडेंट था उसमें भी किया ये गया कि इमेज ये दिखाया गया कि जैसे इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने होटल्स को डायरेक्ट किया है कि आप अपने होटल्स बंद कर दें,
जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाद में डीसी साहब ने उस पर ट्वीट भी की, और बीइंग अ जर्नलिस्ट उसके उसकी फैक्ट चेकिंग जब मैंने की तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा ये गया था कि आप प्रायोरिटाइज करें अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को, लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि आप इस इस्लामाबाद के लोगों के लिए या बाहर से आने वाले लोगों के लिए होटल्स को बिल्कुल उनकी बुकिंग ना करें। प्रायोरिटाइजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, वहाँ पे कहीं ये भी मेंशन नहीं है कि इस्लामाबाद के होटल्स बंद हो रहे हैं या यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होगी। सिर्फ जो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन कॉज हुई वो ये रिक्वेस्ट ये की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप वहाँ से आने वाले लोगों के लिए प्रायोरिटाइज करें और एक सर्टेन टाइम के लिए उन लोगों को प्रायोरिटी दें जो वहाँ से आ रहे हैं, और उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि बंद किया जाए। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसमें मिस रिपोर्टिंग हुई और जिसमें बहुत सारे चैनल्स ने चलाया और बहुत सारे लोगों ने उस पर ट्वीट्स वगैरह भी किए। तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू अ बिट ऑफ बैकग्राउंड चेक एंड फैक्ट चेकिंग बिफोर यू स्प्रेड आउट फेक न्यूज़ लाइक दिस। तो ये है जी। जी बिल्कुल व्यूवर्स, आपने जैसे सुना फहाद मलिक को, उनका भी यही कहना है कि ये टोटली जो है वो बेसलेस स्टोरी थी जिसको एक गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल भी नहीं, कोई अहकाम जारी नहीं किए गए कि होटल्स इस्लामाबाद के बंद किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल मुतमईन रहें, तसल्ली में रहें, ऐसा कुछ नहीं। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक भी है।